अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। तुर्की में फौजी बगावत नाकाम होने पर पाकिस्तान में भी हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़ा मस्बत रद्द अमल आया, बल्कि कुछ वज़रा ने तो यहाँ तक कहा कि आवाम की कामयाबी है और आवाम को इस मिसाल को फॉलो करना चाहिए और ये जमहूरियत की सपोर्ट के लिए आवाम बाहर निकले हैं तुर्की में और पाकिस्तान में भी आवाम इसी तरह का रद्द अमल देंगे। ये शायद बात तो सच है कि आवाम को बाहर निकलना चाहिए, मगर जब कोई सियासी जमात हुकूमत में आ जाती है तो फिर आइन के दिफा के लिए और आइन की हिफाजत के लिए हुकूमत की भी जिम्मेदारियां होती हैं। जहां हम तुर्की की बगावत की नाकामी पर खुश हो रहे हैं, वहां आज जमहूरियत के लिए और सियासी जमातों और सियासतदानों के लिए रोने का मुकाम भी है। आज ही के दिन एक खसूसी अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि 3 नवंबर 2007 के गैर आइनी फरमान के हवाले से जो संगीन गद्दारी का मुकदमा साबिक फौजी हुक्मरान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पर चल रहा था, वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं और उनकी गैर हाजिरी में ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। और जब तक जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान में नहीं हैं या अदालत के सामने पेश नहीं होते तो उस वक्त तक इस पर कार्रवाई रोक दी जाती है। ये वो 3 साल पुराना शुरू किया गया वो तारीखी आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा था, जिसका क्रेडिट लेते हुए हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और ख़ासकर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कभी थकते नहीं थे। बड़े बुलंदबांग दावे भी किए गए कि डिक्टेटर को हमने कटहरे में ला के खड़ा किया है, मगर आज के इस फैसले से ये मालूम हुआ कि अवाम हमेशा शायद धोखा खा जाते हैं और ये आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती, ख़ासकर जब कोई सियासी जमात की बात करती है तो अपोजिशन में रह के तो करती है, मगर जब हुकूमत में आती है तो शायद उसको ये मुमकिन नज़र नहीं आता और वहाँ पे आइन की और कानून की बालादस्ती के हवाले से भी बहुत सी सौदेबाजी हो जाती हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। खसूसी अदालत ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान में, जो जायदाद हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी अटैचमेंट का भी हुक्म दिया है। और ये अटैचमेंट क्या है, क्या जायदाद जो है भाग के सरकार जब्त हो गई है या मैज अटैच हुई हैं, इससे ये तमाम वो सवालात हैं जिन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में माहरीन हैं, कानूनी माहरीन हैं और एक सहाफ़ी हैं। सियासतदान इस मौजू पे शायद अब बात करने से भी कतराते हैं और ख़ासकर हुक्मरान जमात के सियासतदान। मेहमानों का तारफ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सजील शहरिया जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी केस में, और प्रोसिक्यूटर वो होता है जो मुलज़िम को सज़ा दिलवाने की भरपूर कोशिश करता है। तो बैरिस्टर सजील जो हैं वो उस टीम का हिस्सा हैं जिसकी सरबराही एडवोकेट अकरम शेख कर रहे हैं जो मारूफ कानूनदान हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं असद मलिक जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है और ये खसूसी अदालत की कार्रवाई को एक तवील अरसे से कवर कर रहे हैं और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इस केस के हवाले से काफ़ी मालूमात रखते हैं। इनके साथ किसी तारफ़ के मुताद नहीं फैसल चौधरी, इनकी एक बड़ी वजह शोहरत परवेज़ मुशर्रफ का ये मुकदमा ही है और परवेज़ मुशर्रफ के वकील सफाई हैं, उनका दिफा कर रहे हैं। इन तीनों मेहमानों से गुफ्तगू के से पहले मैं मुख्तसरन हुक्मरान जमात के कुछ अराकीन के पुराने कुछ इंटरव्यूज़ थे वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा और ख़ासकर मैं आगाज़ करूँगा परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से पेश होने वाले एक सीनियर वकील अहमद रज़ा कसूरी साहब ने आज खसूसी अदालत के फैसले के बाद जो मीडिया को बताया, उन्होंने क्या कहा। अभी तो के कश्मीर शायद पहले आज़ाद हो जाए, ये मुकदमा नहीं चलेगा। ये तो मुशर्रफ साहब के सीनियर वकील थे। हुक्मरान जमात के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान जो कि मुशर्रफ केस के हवाले से एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने अपने अपने गरेबान को क्या बताया था, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसका लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहला तारीखी कि जिसने जुर्रत किया किसी ताले आजमा जर्नैल के खिलाफ मुकदमा चलाना, गो उसमें बड़ी मुश्किलात भी थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक इब्तदा कर दी गई है और वो अभी तक जो शख्स दुबई में रहना चाहता है, अमेरिका में रहना चाहता है, पाकिस्तान में रह तो रहा है, गिरफ्तार भी नहीं है, लेकिन गिरफ्तार लोगों से बदतर हालात में रह रहा है। अच्छा, वो तो फार्म हाउस में रह रहे हैं, उनको तो कोई मसला रहना नहीं होता। असल बात यह है कि आप जेल में भी रहते हैं, वहाँ पर भी बड़ी लग्जरीज होती हैं, बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं ना जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जब वो जनाब
अदालत में पेश होता है तो उसे एक जज जो है लोअर कोर्ट का कहता खड़े हो जो, तो पेश ही नहीं होते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, ये पेश भी हुए हैं, अब नहीं पेश हो रहे, पेश हुए भी हैं। देखें बात वो जो है, आप इससे पहले का पहले हिस्ट्री भी तो देखें ना, अभी तो पेश भी हुए हैं ना। अच्छा, लोग कहते थे कि जी कुछ नहीं होगा, वो चला जाएगा। आपकी पार्टी ने यौम सियाह मनाया या नहीं ये बताया? यौम सियाह ही मैं बता रहा हूँ ना कि एक ताले आजमा जर्नैल को हमारी पार्टी ने तारीख के कूड़ेदान की नज़र कर दिया। इसी बात पे खुश हैं हुक्मरान जमात तारीख के कूड़ेदान में, और शायद हुक्मरान जमात इस मुकदमे को भी कूड़ेदान की नज़र कर रही है, और इसकी एक मिसाल आज का वो खसूसी अदालत का फैसला है। मेहमानों की तरफ आते हैं, सबसे पहले बैरिस्टर सजील शहरयार, आप तो जनरल मुशर्रफ को सज़ा दिलवाने के लिए भरपूर तगोदो कर रहे हैं और बड़े बड़े ठोस शवाहद भी रख रहे हैं, मगर मुशर्रफ साहब तो लंदन में बैठे हैं और आज अदालत ने जो फैसला दिया है, पहले ये बता दें आवाम को कि आज वो फैसला है क्या। मदीद, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। पहले तो बिफोर प्रोसीडिंग एक बात बता दूं कि जो प्रोसिक्यूटर है वो प्रोसिक्यूटर नहीं होता। बिल्कुल, क्या उसका काम होता है अदालत को असिस्ट करना, अदालत की मामनत करना, किसी को सजा दिलवाना नहीं होता। मतलब आप भी सजा दिलवाने के चक्करों में नहीं है आप सर? मेरे ख्याल में ये रोल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप ही के प्रोग्राम में पहले भी डिस्कशन हो चुकी हुई है उस पे। तो आज का फैसला क्या हुआ है? आज बेसिकली अदालत ने दो दो लिम्स हैं फैसले के अदालत के। एक तो यह है कि चूंकि मुशर्रफ साहब कोर्ट में अब ही इज़ नॉट बिफोर द कोर्ट, तो उनकी एब्सेंस में जो है ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हो सकता। राइटली सो, स्पेशल लॉ के अंदर जो है कोर्ट ने कहा है कि पावर नहीं है, इस तरह की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जो कि एम्पावर करे कोर्ट को कि ट्रायल इन एब्सेंशिया कर सके। दूसरा ये है कि चूंकि वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हुए हैं, उनकी जायदाद की तफसील जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कोर्ट में जमा करवाई है, और उसकी तफसील के मुताबिक कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने का हुक्म दे दिया, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों मौजूद हैं। मैं बल्कि अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा, जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक फहरिस्त है प्रॉपर्टीज़ की, जी वो भी नाज़रीन को ज़रूर बताएं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जी सजील साहब जी, तो इन प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा, अटैच करने से क्या मुराद है इन प्रॉपर्टीज़ का? जी बेसिकली लॉ के अंदर एक प्रोसीजर दिया गया है, उसका ये होता है कि अगर एब्सकॉन्डर जो है एब्सकॉन्ड कर जाए, ये लिस्ट आप दिखा दें साथ साथ हम बता रहे हैं। जी जी, अगर तो जो है मुलजिम अदालत की जुरिसडिक्शन से निकल जाए और अदालत के पास सबमिट नहीं करता, तो उसके लिए अदालत के पास लॉ के नीचे एक पावर मौजूद है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसको कन्फिस्केट कर ले। उसका पहला मरहला अटैचमेंट का होता है। ये प्रॉपर्टीज़ की मैं मुख्तसरन से पढ़ दूँ, एक आर्मी हाउसिंग स्कीम कराची में प्लॉट है, फिर एक और प्लॉट डीएचए कराची है, एक और प्लॉट 301 नंबर डीएचए कराची है, फिर डीएचए में एक और प्लॉट इस्लामाबाद में भी है डीएचए में, और फिर डीएचए लाहौर में है एक प्लॉट, चकशजाद इस्लामाबाद में भी है एक प्लॉट, और भावलपुर में 400 कनाल की ज़रई ज़मीन थी जिसको 4 जनवरी 2014 को फ़रोख्त कर दिया गया है। तकरीबन 2 साल तो अब हो गए ये ज़मीन भी फ़रोख्त हो चुकी है, और ये मुकदमा शुरू होने के बाद ही फ़रोख्त हुई है। फिर जनरल मुशर्रफ के कुछ बैंक अकाउंट्स भी हैं, हम अगर फहरिस्त देख सकें, सामने इस्लामाबाद में भी है, एक में 34,000 हैं, एक में $60 हैं, एक में $4,000 हैं, एक में 16 लाख हैं, एक में 6 लाख, और इसी तरह $55,000 का भी एक अकाउंट है और $12 लाख वाला भी। इनमें कुछ अकाउंट ऐसे हैं कि जो परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया के मुश्तरक अकाउंट हैं। जी, तो अब ये प्रॉपर्टी अटैच होने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी मुशर्रफ साहब कहीं बेच नहीं सकते, ये अटैच हो गई है। इसके बाद चूंकि प्रॉपर्टी की ओनरशिप डिटरमिन करनी होती है, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन हो, उसके लिए बी कानून के अंदर प्रोविजन मौजूद है कि आप विद इन 6 मंथ्स आके ऑब्जेक्शन आपने रजिस्टर करवा सकते हैं कि ये जनरल मुशर्रफ की प्रॉपर्टी नहीं, मलकियत की मेरी है। वो जब ऑब्जेक्शन दूर हो जाते हैं तो उसके बाद कन्फिस्केट हो जाती है और फिर सेल का प्रोसीजर वगैरह शुरू किया जा सकता है। अच्छा, आपने तो ये बता दिया कि आज का हुक्म जो है उसमें है कि मुशर्रफ साहब की गैर हाजिरी में केस आगे नहीं चल सकता। जी, ट्रायल इन एब्सेंशिया को बेसिकली डिस्कार्ड कर दिया गया है। डिस्कार्ड कर दिया, एंड राइटली सो, क्योंकि आप मुझे ये बताया ना कि मुशर्रफ साहब को वापस लाने के लिए हुकूमत और अदलिया के पास कोई अख्तियार है?
जी वो तो मैकेनिज्म तो मौजूद हैं, हमने कई कई इंटरपोल के थ्रू भी एक्यूज्ड बुलाए गए हैं। अदालत ने ही हुक्म दिया ना जी, अदालत के हुक्म पे हुआ। अदालत भी इंटरफेयर कर सकती है, हुकूमत तो फिर इस केस में क्यों नहीं अदालत ने ऑर्डर किया कि रेड वारंट के लिए? ये तो सुबह अगर कल हमारे पास डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएगा तो उसमें हम तो चार लाइनों का ऑर्डर है वो आपके सामने है डिटेल। वो यूजुअली ये होता है कि जब ऑर्डर अनाउंस किया जाता है, अदालत रेड वारंट का हुक्म कर सकती थी जी, एक्यूज को प्रोड्यूस करने का हुक्म किया जा सकता है, अदालत के पास इख्तियार होते हैं। चले मैं मलिक साहब, असद मलिक साहब, आप बतौर साफी एज अ कोर्ट रिपोर्टर आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें अदालत ने हुक्म दिया। अमेरिका से हमेश खान वापस आए जो कि नैब के एक मुलज़िम थे, इसी तरीके से तौकीर सादिक को गिरफ्तार करके दुबई से लाया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट अदालत के हुक्म पे। तो आप समझते हैं कि इस केस में अदालत ने जो है वो हैंड ब्रेक खींच ली है और ये बजाय इसके कि वो फास्ट गियर में आगे जाती है और रेड वारंट का भी ऑर्डर कर सकती थी? जी मती साहब, इसमें अदालत के पास ऑप्शंस थे, रेड वारंट्स भी इशू कर सकती थी। और आप देखें कि वो जो तौकीर सादिक और जो हमेश खान को जो लाया गया था, गवर्नमेंट तो नहीं लेके आ रही थी क्योंकि गवर्नमेंट का कोई अपने कोई पॉलिटिकल रीजंस थे, वो तो कोर्ट ने परसू किया। उस अगर कोर्ट में वो मैटर ना होता और वो भी सैनिटाई एडजर्न हो जाता या इस तरह से कि अक्यूज़ के उस पर रख दिया जाता कि वो खुद कभी उसको खजेन में ख्याल आए कि नहीं मैं जाऊं जाके सरेंडर करूं या जो है उसको किसी तरीके से लेके आया जा सकता, अगर ये रख दिया जाता तो फिर शायद ना तो गिर सादिक आता ना वो बीओ बैंक ऑफ पंजाब का हमेश खान जो है ना आया जा सकता। अमेरिका से लेकर आएंगे। अच्छा उनका और ये जनरल मुशर्रफ कमांडर मंसूर उल हक का एक बहुत बड़ी एग्जांपल, उनको भी लाया, लेकिन उनके केस में और जनरल परवेज मुशर्रफ के केस में थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिफरेंस था। शायद कोर्ट को पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ पे पहली दफ़ा से इस तरह की सिचुएशन नहीं आई थी। इससे पहले 2010 में और 11 में उनके इस तरह के रेड वारंट भी इशू हुए थे बेनजीर भुट्टो मर्डर केस में। इंटरपोल को भी कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इंटरपोल से रापता किया जाए और वो फ्रीक्वेंट वो जो है वो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो इस तरह से हुआ था कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भेजी थी यूके में कि जनरल मुशर्रफ जो है वो हमारे एक्यूज हैं इस मर्डर केस में, हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, कोई छोटा मोटा केस नहीं था, प्राइम मिनिस्टर थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनके कत्ल के उसमें, उस वक्त जो इंटरपोल ने रिप्लाई किया था, इनको रिफ्यूज़ किया था और उन्होंने ये कहा था कि आपका ये जो केस है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नज़र आता है, आप हमें कुछ ठोस शवाहिद दें तो तब हम इसको हैंड ओवर करेंगे। मे बी कोर्ट के जहन में शायद ये चीज़ें हों, लेकिन अगर ये चीज़ें थी भी तो जो प्रोसेस ऑफ लॉ था उसको मेरे ख्याल में कम्प्लीट होना चाहिए था। 2-4-5 हेयरिंग्स शायद मजीद हो जाती इसके ऊपर, लेकिन यह था कि गवर्नमेंट भी कुछ करती नज़र आता इनको, अगर इंटरपोल से जब तक जो जहाँ तक इनकी ज्यूरिसडिक्शन थी ना जी, जहाँ तक इनके इख्तियार थे, इनके वसाइल थे, इनको इस्तेमाल करने चाहिए थे सारे ऑप्शंस को। लेकिन इसी खसूसी अदालत ने पहले एक हुक्म में लिखा था कि परवेज मुशर्रफ पे कोई पाबंदी नहीं है बाहर जाने से, और अब यही अदालत कह रही है कि वो इधर क्योंकि है नहीं, ये खुद ही पहले उनके लिए एक रास्ता फराहम किया इस खसूसी अदालत ने। आया मुझे याद है कि शुरू में एक हुक्म में कहा कि कोई पाबंदी नहीं है इनके ट्रैवल पे, अगर हुकूमत जो है किसी किस्म की कोई पाबंदी फ्रेश लगाना चाहे तो लगाए। तो आपके ख्याल में मुशर्रफ के इस वक्त बाहर जाने की जिम्मेदार ये खसूसी अदालत है, हमारी आला अदलिया है, या हमारी हुकूमत है, या प्रोसिक्यूशन है, या ये सब ने मिल के जान छुड़ाई है? अच्छा ये जो आपने बात की, ये आज जो प्रोसिक्यूशन के हेड है अकरम शेख साहब, ये उन्होंने भी एक दबे अल्फाज में ये बात की थी कोर्ट में कि स्पेशल कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि ही इज़ फ्री मैन एंड ही कैन ट्रेवल एनी वेयर। उन्होंने ये कहा था कि मेरी कार्डियक जो है वो उनको ट्रीटमेंट के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है, पाकिस्तान में जहाँ पे उन्होंने 9-10 साल हुकूमत की है वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जहाँ से वो अपना इलाज करा सकते। उस पे उनकी दरख्वास्त थी, प्रोसिक्यूशन ने उस वक्त अपोज किया था, लेकिन उनको बाहर जाने दिया गया। जब ये अकरम शेख साहब ने यह बात की थी तो जस्टिस यावर अली ने जो है ये जवाब में ये कहा था कि देखें जी कंप्लेनेंट तो इस केस में इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, उसने उसको अलाउ कर दिया ECL से उसका नाम रिमूव किया पे। तो वो एक वो उसका फिर मतलब ये कहना बजा है कि ये सब इदारे अपनी अपनी जगह मोहताज, जिम्मेदारी तो देखें सब की थी, वो कोर्ट का जो अक्यूज था इसको उन्होंने बेल भी दी थी। और जी फैसल साहब गए थे इलाज करवाने, तो वो इलाज की क्या पोजीशन है, कितने ऑपरेशन हुए हैं, कितने टांके लगे हैं, कितनी गोलियां खा रहे हैं मुशर्रफ साहब? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा का
कि आप जज नहीं हैं वहाँ पे मतलब मतियुल्लाह ये आपकी ख्वाहिश पे तो केस चलना नहीं, लेकिन आप शुक्र ये करें, आप ये भी शुक्र करें कि जनरल मुशर्रफ मुल्ज़म है, मैं अगर कोई और होता मुल्ज़म इस वक्त लटक रहा होता रस्सी के साथ। मैं इस बात पे भी मैं बहुत मशहूर हूँ अपने दोस्त बरिस्टर सजीद शहरयार का, और मैं इनको अकरम शेख से हायर रेट करता हूँ आज कि उन्होंने आज ये एडमिट किया कि ट्रायल एंड एब्सेंशिया की कानून में गुंजाइश नहीं, और आज अकरम शेख साहब तमाम वजन उसी आर्गुमेंट पर डाल के बैठे रहे कि जी, और उनका ये आर्गुमेंट अदालत ने बगैर हमें हमारी तरफ से कोई दलील सुने उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया कि जी आप ट्रायल एंड एब्सेंशिया करें। उन्होंने ये कहा 342 के बगैर सर 342 हो या ये टेक्निकल बात है ना, आवाम जो बात सुनना चाह रही है उनको वो बताएं। अच्छा, बात ये है कि ये जो केस है ये एक स्पेशल लॉ के तहत चला जा रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त बैठ के आप जज साहबान के उस जो इख्तियार के ऊपर भी जो है बहुत ही ज़्यादा बात हो रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लेनेंट जो कि सजील की के क्लाइंट हैं, और सजील ने ये कोर्ट में कहा कि वो हमसे पूछते नहीं हैं, इनसे पूछे बगैर उन्होंने उनको जाने की इजाज़त दी, उनकी टेस्ट अप्रूवल थी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसके तहत अपहेल्ड किया गया सिंध हाई कोर्ट का, वो जजमेंट किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं की। उन्होंने ये कहा गए क्यों मुशर्रफ साहब, छोड़े ये तो काम, उन्होंने ये कहा कि देखिए मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं उसके आप कानूनी बात आप कर रहे हैं ना, नहीं उसमें उन्होंने कहा कि जो कंप्लेनेंट है उन्होंने कभी कोई सीरियस एफर्ट की नहीं है उनको रखने की। आप भी मानते हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है इस ट्रायल में, हुकूमत का ये सियासी ट्रायल था, ये तो ट्रायल बनता भी नहीं है। जो आपने शुरू में वो वीडियो चलाई है वो 12 अक्टूबर 1999 की चलाई है, 3 नवंबर की नहीं चलाई, लेकिन मुशर्रफ इलाज के लिए गए हैं और वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, चले और वो जब इलाज हो जाएगा उनका, उनकी जो किस चीज़ का इलाज करवा रहे हैं? देखिए जी उनकी दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो उनकी हार्ट प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम उनकी बैकबोन की थी, और ये हमने अदालत में 12 ये मेडिकल रिपोर्ट्स दी हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है जी कि इनकी जो ट्रीटमेंट है ये पाकिस्तान में भी फैसिलिटी नहीं है। अब देखिए ना, मियां नवाज़ साहब लंदन में चले जाते हैं, डेढ़ दो महीने बाद आते हैं, उन पर तो कोई एतराज़ नहीं करता। अब इलाज अगर कोई आदमी कराने गया है, क्या इलाज की क्या पोजिशन है जी? वो अभी हो रहा है, इट्स अंडरवे। क्या ऑपरेशन हुआ है कोई? जी अभी अंडरवे, अभी डॉक्टर्स देख रहे हैं। अच्छा, सर्जरीज नहीं अंडरवे तो है, लेकिन हार्ट का है, स्पाइन का मसला स्पाइन का फिलहाल चल रहा है, हार्ट के लिए स्पाइन का इशू है जनरल साहब को जी है। नहीं तो वो ऑपरेट हुई है स्पाइन के? नहीं अभी तो डॉक्टर्स देख रहे हैं कि उसको शायद सर्जरी के बगैर ही वो कोई अगर कुछ हो सके, क्योंकि सर्जरी जो है आखिरी ऑप्शन होता है। जनरल साहब ने आपसे आखिरी बार कब बात की अपने वकील से? इतने ये तो कॉन्फिडेंशियल मेरी बात है, मैं कितना आपको तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, रابطہ कब? मैं तो अदालत में भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा जी, फोन भी नहीं किया उन्होंने। ये तो मेरी कॉन्फिडेंशियल उनके साथ एक गुफ्तगू है, क्लाइंट और काउंसिल की प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। क्या जनरल साहब वापस आके सामना करेंगे मुकदमे जी, मुकदमे का सामना करें? देखिए वो अपना इलाज करवा रहे हैं, जब इलाज के बाद जो है वो अगर आएंगे तो बिल्कुल सामना करेंगे, पहले भी करते रहे। आपने उन्हें मशवरा दिया है कि वो वापस आए? मैंने उनको जो मशवरा देना है वो मैं उनको देता हूँ, वो मेरे से मशवरा लेते भी हैं। ना मैंने मशवरा आपके प्रोग्राम में देना है, ना ही मैंने आपको देना है। आप नहीं समझते कि जनरल साहब ने जो कहा था और इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी ये कहा था, कितना वक्त आपने दिया था हुकूमत को? 3 months? 3 months का तो किसने दिया था? 3 माह का कोर्ट में बात हुई, 3 माह के कोर्ट में आप लोगों ने कमिट किया था कि 3 महीने कसूरी साहब ने कहा था, कसूरी साहब ने कहा था कि कम अज कम वो झूठ बोला था आपके वकील साहब समेत किसी लॉयर ने कोई कमिटमेंट नहीं दी है। ये एक ऐसे जो मीडिया में टिकट्स चल जाते हैं ना बगैर, और वो टिकट्स वो चलाते हैं, आप तो रिस्पॉन्सिबल साफ़ी हैं, कोर्ट में आते हैं दोनों रिपोर्ट करते हैं, शुक्रिया। यहाँ पे ऐसे भी हैं जो घर बैठ के रिपोर्ट करते हैं, तो ये अक्सर दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये सुनी होगी किसी से ऐसी कोई कमिटमेंट। ये वज़ीर दाखिला की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो भी मुझे लगता है घर से बैठ के ऑपरेट करते हैं। ये किसी भी वकील ना, ये वकील का काम होता है कि कमिटमेंट दे के उन्होंने मैंने खुद सुना था जब उनसे पूछा ये वो बात करें थे। असद लेट मी करेक्ट यू, आप मिक्स कर रहे हो, आप उनकी वो दरख्वास्त की बात कर रहे हो जिसमें वो दरख्वास्त दी थी कि ट्रायल 14 हफ्ते के लिए जो है ना वो उसको बात मुलतवी किया जाए, ये कमिटमेंट थोड़ी, लेकिन मकसद इलाज ही था ना जी, मकसद वो तो ये उन्होंने ये कहा था कि इतनी देर एक्सपेक्टेड है और इलाज के लिए टाइम ग्राउंड सिमिलर थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर बैरिस्टर सजील जो हैं उनसे हम पूछते हैं कि इस्तगासा तो शायद बहुत मेहनत कर रहा है मगर हुकूमत कितनी संजीदा है और हुकूमती इदारे कितना तआवुन कर रहे हैं। उन इदारों के तआवुन की भी एक झलक आपको दिखाते हैं कि जब उनको खतूत लिखे गए कि जनरल मुशर्रफ के असासों की तफसीलात फराहम की जाएँ
तो उन्होंने आगे से कहा कि फाइल बंद हो गई है और हुकूमत संजीदा है या इस मुकदमे को भूल जाना चाहती है। इस हवाले से आज अपना अपना गरेबान में हम बात कर रहे हैं। एक झलक हुकूमती इदारों की संजीदगी की इस मुकदमे के हवाले से मिलती है उनके उन जवाबात में जो उन्होंने हुकूमत या वजारत दाखिला की तरफ से लिखे गए खतूत के जवाब में दिए। उनसे वजारत दाखिला ने खसूसी अदालत के हुक्म पर खतूत लिखे मुख्तलिफ चारों सूबों को इदारों को कि हमें जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशरफ की जितने असासे हैं जायदाद हैं बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसील दी जाए। तो उनका क्या जवाब आया आपको उसके मुख्तसर खुलासा बताते हैं। पंजाब हुकूमत ने जहाँ पे वज़ीर आला शहबाज शरीफ हैं नून लीग के शेर उनकी पार्टी का निशान है दो याद दहानियों के बावजूद अभी तक कोई जवाब वजारत दाखिला को नहीं दिया। फिर सिंध हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी तीर जिसका निशान है और आमरियत के ख़िलाफ़ उनकी बड़ी जद्दोजहद है सिंध हुकूमत ने भी अभी तक जो है उनका ये जवाब आया है कि जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास नहीं है रिटायर्ड फौजी अफसरान का। मगर उन्होंने साथ में ये कहा है कि एक आर्मी हाउसिंग स्कीम है जमजमा और फेज़ 5 DHA कराची में जो है वहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहीं किसी घर में रहते रहें और उनकी जायदाद का रिकॉर्ड आप DHA से ले लें। सिंध हुकूमत के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं और ना ही उन्होंने DHA से वो रिकॉर्ड लेकर अदालत को फराहम किया है। फिर खैबर पख्तूनख्वा जहाँ बल्ले की हुकूमत है तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल आया तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी अभी तक दो याद दहानियों के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया इस हवाले से कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के सूबे में क्या असासे हैं कितने असासे हैं भी या नहीं। फिर इस्लामाबाद जो दारुलखिलाफा है जहाँ पर यह ट्रायल हो रहा है जहाँ पे एक खसूसी अदालत बैठ के ये मुकदमा चला रही है आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा यहाँ इस्लामाबाद में चेयरमैन CDA को जो ख़त लिखा वजारत दाखिला ने कि आप CDA के रिकॉर्ड देख के बताएं कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की कोई प्रॉपर्टी है या नहीं। तो चेयरमैन CDA की तरफ से भी दो याद दहानियों के बावजूद दो खतूत के बावजूद कोई जवाब नहीं आया और ये CDA वजारत दाखिला का मतहत अदारा है और चौधरी निसार जो हैं वजारत दाखिला के सरबराह हैं और चौधरी निसार जो हैं वो कंप्लेनेंट भी हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं वजारत दाखिला जो है वो कंप्लेनेंट भी हैं मुशर्रफ के ख़िलाफ़ और कंप्लेनेंट ने ख़ुद उनके एक इदारे ने अभी तक जवाब नहीं दिया और वजारत दाखिला ने जाके अदालत को देखें जी हमारी तो CDA के चेयरमैन को भी हमने दो बार कहा उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर वजारत दफ़ा के मामला तो आपको पता ही हैं वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ हैं और उनका ये कहना है कि रिटायर्ड फौजियों की जो मनकूला व गैर मनकूला जायदाद है उसका वजारत दफ़ा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखती। यकीनी तौर पे जब तक जनरल मुशर्रफ रिटायर नहीं हुए थे उस वक्त तक उनके प्लाटों की उनके इंटाइटलमेंट की उनके इस्तेहकाक के जो प्लाट्स बनते थे उनका रिकॉर्ड तो वजारत दफ़ा में था लेकिन जब रिटायर हो गए तो फाइलें अब वजारत दफ़ा के पास नहीं है शायद GHQ में हों और GHQ से तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आइन से संगीन गद्दारी के हवाले से जो रिकॉर्ड तलब किया गया था वजारत दफ़ा ने उसका जवाब भी उनको नहीं मिला था। फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उनका जवाब ये आया कि आज़ाद कश्मीर में जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की कोई जायदाद नहीं है। और फिर बलूचिस्तान की हुकूमत उन्होंने ये कहा है कि बलूचिस्तान में 1060 मरबा गज़ एक प्लाट है एक जगह है सांगड़ हाउसिंग में जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के नाम। फिर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि हमारे यहाँ कोई जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के नाम जायदाद नहीं है सवाए डिस्ट्रिक्ट हुंजा के और हुंजा के ज़िले की तरफ से अभी तक जवाब का इंतज़ार है। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ने बहरहाल के जवाब में बताया है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने 2003 में P&V स्कीम में एक प्लॉट ख़रीदा है। तो ये तो हमारे हकूमती इदारे हैं जिन्होंने खसूसी अदालत के हुक्म पर वजारत दाखिला की तरफ से लिखे गए ख़त के जवाब में या तो मुकम्मल तौर पे जवाब ही नहीं दिया या फिर जो जवाब दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है और जिन्होंने जो रिकॉर्ड फराहम किया है उस रिकॉर्ड की बुनियाद पे कुछ जायदाद और असासे जो कि रेवेन्यू CBR का जैसे रिकॉर्ड है या इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है और
उनके रिकॉर्ड के मुताबिक जो जायदाद है वो आपने देखी, वो रिकॉर्ड वहाँ से ही मिला है। बाकी इदारों ने तो जवाब देना भी शायद पसंद नहीं किया। तो ये सूरत हाल है। बैरिस्टर सजील साहब, बतौर प्रोसिक्यूटर आपको हुकूमती इदारों का ये रद्द अमल, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? आई थिंक वो तो जहाँ तक ये इंटीरियर की बात है, कोर्ट के ऑर्डर बड़े क्लियर हैं। दे आस्क फॉर दी प्रॉपर्टीज़ कि आप प्रॉपर्टीज़ की डिटेल दें। चूँकि प्रॉपर्टीज़ आपने ख़ुद भी देखा कि पूरा मुल्क है और बहुत बड़ा मुल्क है, तो प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट जूरिसडिक्शन में है, कोई कराची में है, कोई इस्लामाबाद की है, कोई गिलगित है। साबिक सरबराह की जायदाद ढूंढने में तो टाइम लगता है। नहीं, ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है, आई कांट जस्टिफाई दैट, वो तो उनका अपना इंटरनल प्रोसीजर है। लेकिन ये इस तरह का जवाब जो है आपके केस को कितना कमजोर या मजबूत बनाता है? मेरे ख्याल में तो इंटीरियर ने अपना जवाब जमा करवाया है। उन्होंने प्रॉपर्टी की जितनी अवेलेबल थी लिस्ट उन्होंने ला के जमा करवाई है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि जो जिस तरह इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी का आपने जिक्र किया कि सीडीए ने अभी तक जवाब नहीं दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं प्रोवाइड करेंगे। दो लेटर्स के बावजूद जवाब नहीं, अभी उन्होंने अभी जो अगर देखा जाए जो रिप्लाई फाइल किया गया इंटीरियर ने उसमें यही कहा है कि हमें अभी तक जवाब नहीं आया। ये चूंकि कोर्ट का एक डायरेक्टिव था जिसके साथ कंप्लाई करना, और पब्लिक इंफॉर्मेशन भी है, कोई और पब्लिक इंफॉर्मेशन लोगों का जानने का हक है। बिल्कुल, आप तो मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो फ्रीडम है पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो आप एक्सेस सबकी वो है। लेकिन चूंकि ये प्रॉपर्टीज और ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियलिटी भी अटैच करती है कि हर एक इंसान की प्रॉपर्टी और वो चीज़ एक्सपोज नहीं है। शरफ साहब भी तो एक आम शहरी इंसान है, उनकी भी प्राइवेसी है, तो उनकी भी प्राइवेसी है। अच्छा, वो आईन से संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम कितना संगीन होता है? ये तो आप मुतअद्दिद आपने प्रोग्राम्स में भी देख चुके हैं, क्योंकि आप उनकी प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, ये कितना संगीन है आईन से संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम? इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द हीनियस ऑफेंसेस। मुल्क के शायद कोई ऐसे, इट इज़ वन ऑफ द टू ऑफेंसेस आई वुड से कि जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफेंस बनाया गया। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है आर्टिकल 204 के नीचे, एक है आर्टिकल 6। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस चीज़ का जिक्र किया गया है तो ऑब्वियसली काफ़ी सीरियस है। कितना खर्चा हो चुका है इस वक्त इस केस के ऊपर हुकूमत का? ये तो हुकूमत ही बता सकेगी। नहीं, आप लोगों ने आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे से फीसें ली हैं प्रोसिक्यूशन में, कितना प्रोसिक्यूशन के ऊपर कितना खर्चा हो चुका है इस वक्त? ये तो मैं आपसे आपकी फीस नहीं, जनरल एक बात फिगर आप बता सकते हैं? ये तो फिगर तो हुकूमत ही कैलकुलेट कर सकती है, क्योंकि आपकी टीम का ओवरऑल क्या फिगर रहा है? ये तो मेरे हाल में पब्लिक रिकॉर्ड भी है, जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर, काफी पुरानी बात है। जो फीस वगैरह चार्ज हुई थी वो तो 15 करोड़। अब तो ये आईन में भी आ गया है ना, मेरा नहीं, आपने बताया कि आईन में हक आ गया आवाम के जानने का, तो आप बता दें। वो तो पब्लिक रिकॉर्ड था, जब 2-3 साल पहले कभी न्यूज आई थी, आप सब लोगों ने भी पढ़ा, बार बार टिकट चलते थे। टीम में कितने बंदे हैं? आई थिंक 11 है। उन सबके ऊपर टोटल ओवरऑल फीस कितनी है? ये तो आई कांट गेज, क्योंकि हर एक अपना अपना राइट है। आप बता दें फिर, पब्लिक रिकॉर्ड है, आप बता दें क्या है? कभी कैलकुलेट नहीं किया। देखें, करोड़ों में 10 करोड़ इनिशियली 10 करोड़ रुपया जारी हुआ था। अच्छा, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल के इतना इनिशियली 10 करोड़ रुपया आपको शायद कम पहुंचा होगा, 11 बंदे हम जी, काश के इतना होता। इसके अलावा भी जो है वो जो एक्सपेंसेस, ये तो देखें प्रोसिक्यूशन की फीस नहीं थी खाली, आप ये देखें, ये जब केस स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे कितने 100 कंटेनर्स जो हैं वो ला के रखे गए थे सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी के लिए। फिर जब जिन दिनों जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी आमद मुतवक्का होती थी, अगरचे वो सिर्फ 1 या 2 दिन आए, लेकिन उनके अरेंजमेंट हर रोज़ उस तरह से किया जाता था। उस दिन जो पुलिस की इस्लामाबाद की जो 70% जो पुलिस थी वो वहाँ पर तैनात होती थी, उनके खाने पीने का खर्चा, उनकी मोबलाइजेशन का खर्चा, उस वक्त जो तकरीबन इब्तदाई 3 माह थे उसमें ये एक उसमें हमारा मीडिया का भी बड़ा खर्चा हो गया। 18 करोड़ रुपया जो है ना वो तकरीबन इनके सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मैटर्स थे वो उसके ऊपर लग गया था। रेंजर्स के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो वहाँ पे हर वक्त मौजूद रहते थे, पुलिस का DIG रैंक का अफसर जो है वो वहाँ पर मौजूद रहता था,
इंटीरियर मिनिस्ट्री वगैरह के, तो ये काफी। तो मलिक साहब ये बताए ना, आपकी राय में बतौर साफी, आप तो थ्रू आउट इसको कवर करते रहे, क्या नवाज शरीफ हुकूमत संजीदा है मुशरफ के ट्रायल में? मती साहब ये आप देखें कि संजीदा तो ये शायद किसी ज़माने में रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से इस को शुरू किया गया, आप देखें इसकी अनाउंसमेंट आप देखें कि किस वक्त की गई कि जनरल मुशरफ का जो है वो हाई ट्रीजन केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आशूरा वायलेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किसी साफी से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, क्वेश्चन किसी साफी से क्वेश्चन कराया गया जिसके जवाब में वजीर दाखिला ने बताया जी कि हम जी मुशरफ का जो है वो हाई ट्रीजन, जिसके सारी तवज्जा जो है वो डाइवर्ट किस साफी से करवाया गया, ये तो मैं नाम नहीं मुझे उसका मालूम, लेकिन ये देखें इस तरीके से इसको डिस्क्लोज किया गया कि हम इस तरीके तो से आप समझते हैं कि गैर संजीदा है हुकूमत? नहीं, मैं आपको लोगों को धोखा देती रही है, झूठ बोलती रही है, लोगों से फ्रॉड किया है, मुकदमे चला के। नहीं, मैं आपको बताऊँ की जब ये दिसंबर में इन्होंने कम्प्लेन फाइल की थी उस वक्त शायद ये संजीदा थे, इनका ये ख्याल था रिटायर्ड जनरल है, इसको ज़रा थोड़ा सा हम रगड़ा शगड़ा लगा देंगे अदालत के कंधों पे बंदूक रख के, लेकिन जब वो AFIC में जाके बैठ गए, जो फैसला आज आया है उस हवाले से इनके पास कहने को शायद कुछ नहीं, और यही एक अहम इशू है। फैसल चौधरी साहब, बतौर वकील, आप खुद, आपकी फैमिली भी एक पॉलिटिशियन फैमिली है, सियासतदान फैमिली है, तो आप बतौर वकील तो एक मुलज़िम के साथ खड़े हैं, उनका दिफा कर रहे हैं, मगर एज अ पॉलिटिशियन आप इस मुकदमे को कैसे देखते हैं कि क्या ये वाकई एक संगीन इल्ज़ाम है? आप इस संगीन इल्ज़ाम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं मुशरफ को, अगर थोड़ी देर के लिए हम भूल भी जाए तो? मतुल्ला साहब, मैं किसी भी मुकदमे को बतौर सियासतदान नहीं देखता, बिकॉज मैं वकील हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर केस को लीगली देखूँ और वकालत के तनाजुर में देखूँ, और लिहाजा मैं इन मुकदमात में यही बात इसलिए कि जब हम किसी भी मुकदमे में पेश होते हैं या नहीं भी होते हैं तो हम उसके ऑब्जर्वेशन जो है जज्बाती अंदाज से नहीं करते। ये सारा जो मुकदमा है इसकी आपको बैकग्राउंड भी देखनी पड़ेगी। देखिए, हुकूमत वक्त हो या कोई और भी इदारा हो रहा हो, जब आपको प्रोसेस में आना पड़ता है, एक तो सबसे पहले मुसीबत ये है कि आप ये बताएं कि ये पहला केस नहीं है जिसको जो है वो फैसला नहीं हुआ। अभी आपने दो चार नाम लिए कि फलां को रेड वारंट हुआ, अमेश खान खुद आए थे और इफ्तिखार चौधरी ने उनको एक ट्रैप करके फ्रॉड करके नहीं अरेस्ट करवा दिया यहाँ पे, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से रहा, बेटे से मुलाकात नहीं हुई होगी उनसे। एनीवेज, तो बात यह है कि हमेश खान खुद आए, वो सारे करप्शन के केसेस हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये क्रिमिनल केस है। और जब कानून में सियासत मुलव्वस हो जाती है तो केसेस के फैसले नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो केस आपने जिसका बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मैं उसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप ये बताएं कि एक जो इतना बड़ा आप क्राइम कर रहे हैं उसमें एक आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जजों को हटाने का, जजों को हटाने की समरी किसके अप्रूवल से गई है? शौकत अजीज़ और जायद हामिद साहब की। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं कोई अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा, जब रिकॉर्ड आया है और आपने उनको एक जो अभी प्रीलिमिनरी स्टेज पे इंक्वायरी थी उसको फाइनल करके आपने एक साबिक जनरल को हटा दिया। अब आगे मैं आगे बढ़ गया। इशू ये है, जजों ने भी जो भी फैसला करना है कानून के मुताबिक करना है, उन्होंने कोई बैठ के अपनी विम्स एंड विशेज पे तो करना नहीं है और ना ही वो होने देना किसी ने। बात यह है कि जब आप लॉ में आते हैं, प्रोसेस में आते हैं, अगर आप बात करना ही चाहते हैं, मुझे ये बता दें कि 3 नवंबर 2007 का जो फरमान था वो बतौर आर्मी चीफ जारी किया गया था या बतौर सदर? चाहे वो आर्मी चीफ के से हो या सदर, अब आपने छेड़ दिया, वो एक ऐसे सदर ने जारी किया था जो कि आर्मी चीफ भी था और वो क्राइम नहीं बनता। क्या लिखा है जी प्रोक्लेमेशन में? क्या लिखा है प्रोक्लेमेशन में? लिखा हुआ है वो देखें उसमें, जो आप ये कह रहे हैं कि वो प्रोक्लेमेशन तो लंबा सारा है, साइन जो एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने किए हैं, लेकिन एक ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कि सदर भी था, नहीं जो भी है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये फरमान आइंदा भी लगा सकता है इस तरह का फरमान? अगर जो आइन की सूरत हाल है या जो अभी कानूनी सूरत हाल है, मेरे ख्याल में कि आर्मी चीफ को ये लगाने की शायद जरूरत भी ना है, और शायद जरूरत को छोड़े हैं, आप वकील हैं ना, कानूनी तौर पे क्या आर्मी चीफ कानूनी तौर पर तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आप ये मुझे बताएं तो क्या ये क्या कानूनी तौर पर, मेरा काउंटर जवाब सुन रहे हैं, देखिए क्या कानूनी तौर पे उन 11 जजेस को ये इस्तेहकाक हासिल था कि 12 अक्टूबर 1999 की बगावत को स्टैंप कर देते?
क्या आईनी तौर पे ऐसे पार्लियामेंट पर 12 अक्टूबर को भी आईन से बगावत हुई मानते हैं आप? मैं क्या, मेरा तो आर्टिकल है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ डॉन में कि आप 12 अक्टूबर को बगावत की, 3 नवंबर को भी, 3 नवंबर इज नॉट, उसको सेपरेट करें। आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब को 12 अक्टूबर की बगावत पे केस होना चाहिए उनके खिलाफ? उस लिए नहीं किया ना, प्यारे आते हैं उसमें बहुत सारे, उसमें वो भी आते हैं जिनसे काम करवाए हुए हैं, उनसे वो भी आते हैं जिनसे डील तय हुई थी, मैं प्रोसिक्यूशन के काफी सारी चीजें खुलती है ना जी। अच्छा, फैसल हैज वेरी लॉट ऑफ गट्स, एडमिट कर लिया, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है वो कुछ शो करेगी कि मतलब 12 अक्टूबर आपने बतौर प्रोसिक्यूशन हुकूमत को कहा कि जी ये केस बनता है, तभी जो आपने केस लिया, तभी हम ले 3 नवंबर का, 3 नवंबर वो जो बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर वाली बगावत जो है, क्या वो बड़ा केस नहीं था? आपने उसके वाले से हमारे डोमेन, हमारे डोमेन में एज अ प्रोसिक्यूटर हमें इंस्ट्रक्शंस जो है, जब कंप्लेंट फाइल हुई, कंप्लेंट फाइल होने के बाद हम एज अ प्रोसिक्यूटर एंगेज हुए, तो हमारा जो डोमेन था, हमारा डोमेन लिमिटेड है, वो है 3 नवंबर 2007 एंड ऑनवर्ड्स, कि 3 नवंबर को क्या हुआ। वी आर देयर टू प्रोसिक्यूट, टू असिस्ट द कोर्ट कि उसमें 3 नवंबर के वाकयात जो है ट्रीजन के अंदर आते हैं कि नहीं आते। जिस तरह फैसल ने एडमिट कर लिया कि शायद आजकल इस तरह के हालात ना हो सके, डेमोक्रेसी इज ऑन द पीक। सचिन, मेरा पॉइंट ये है कि 3 नवंबर को जो एक्ट हुआ है, दैट इज नॉट ट्रीजन, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। 12 अक्टूबर 99 की और सिचुएशन है। चलिए, वो आपका मौकिफ है, ठीक है, चलें। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताएं ना, अकरम शेख साहब जो आपके टीम लीडर हैं, बड़े मारूफ कानूनदान हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो हुकूमत से कोई फीस नहीं ली, ये मुफ्त मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ। उन्होंने नहीं लिया, उनके टीम वालों ने लिया, उन्होंने नहीं ली होगी फीस के अलावा, तो खैर मेरा एक सवाल है ना, तो फिर क्या मुफ्त मुकदमे ऐसे लड़े जाते हैं? ये मुकदमा लड़ा जा रहा है मेरे ख्याल में, तो आपका शेख साहब ने जो है बहुत जान मार के केस कोर्ट को जान मार के साहब को बाहर भिजवा दिया। नहीं, वो देखें, इसमें प्रोसिक्यूटर का ऐसा कोई रोल नहीं है। अच्छा, आपसे पूछा नहीं गया, ये बात हकीकत है कि हुकूमत ने आपसे पूछे बगैर उन्हें भिजवा दिया? देखें, ईसीएल के मुकदमात जो है वो प्रोसिक्यूटर के डोमेन में, आप लोगों ने एतराज क्यों नहीं किया? आपका फर्ज नहीं था कि आप एतराज करते कि हमारा मुल्जिम है, ये बाहर नहीं जा सकता, क्यों नहीं कोर्ट में बैठे हुए? जेआईटी अगर आप देखें, जो जेआईटी की रिपोर्ट है उसमें भी रिकमेंडेशन गई हुई है कि हमें ये रिक्वायर्ड है और इनका ईसीएल में नाम डाला जाए। ईसीएल का नाम जो है, ऑलरेडी जो मुकदमा चल रहा था वो था प्रोसिक्यूशन के डोमेन से बाहर, वो था हुकूमत परसू कर रही थी थ्रू द अटॉर्नी जनरल। क्या आपने हुकूमत को मना किया था कि इनको ना जाने दिया जाए? मेरे ख्याल में रिकॉर्ड में जो है जेआईटी जो है कोर्ट में भी रिकमेंडेशन दे चुकी है, एफआईए की टीम अलग से प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी नहीं बनती। आपका मुल्जिम लंदन चला गया और आप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। देखिए, मुमकिन है ये आप जिस वजारत दाखला ने एक जिस वजारत दाखला ने आपको अवाम के करोड़ों रुपयों की फीस दी, उस वजारत दाखला ने आपके मुल्जिम को भगा दिया, अपने ही मुल्जिम को भगा दिया, तो आपने एतराज नहीं किया? हम जो है किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन मिनिस्ट्री या हुकूमत कैसे करते हैं। हमारा फर्ज है हम कोर्ट के पास जो है मामनत के लिए लेके जाए, कोर्ट को प्लीड करें, असिस्ट करें, केस को प्लीड करें। आपने आपने एक सजील साहब या प्रोसिक्यूशन टीम, लेट मी हेल्प हिम, ये बॉन्डिंग ऑफ द बेल्ट भी है, वो भी वकील है, मैं भी वकील हूँ, क्या इनकी जो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है एक तो लिमिटेड होती है, दूसरी ये बात वो अदालत के फैसले से बाहर गए हैं, सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, क्या इनकी विम्स एंड विशेस उनसे सुपीरियर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट अदालत के, आप कह रहे हैं अदालत के फैसले, अदालत के फैसले के परमिशन से, क्योंकि अदालत ने कहा था कि हुकूमत अगर चाहे तो इनको रोक सकती है, बिल्कुल अदालत ने उन्हें इजाजत दे दी, लेकिन अदालत ने फिर ये कहा कि पेंडिंग लिटिगेशन, क्रिमिनल और सिविल लिटिगेशन कैन नॉट बी, बहरहाल आप ये मानते हैं अगर हुकूमत चाहती तो रोक सकती थी, आप मानते हैं? मती साहब देखिए, जो ये इनका ये कहना प्रोसिक्यूशन का कि हमारे तो नॉलेज में नहीं था, हम वहाँ पे वकील नहीं थे, ये वहाँ पर वकील नहीं थे क्योंकि इनको जो एंगेज किया गया था वो हाई ट्रीजन केस के लिए किया गया था, लेकिन जिस वक्त आर्गूमेंट हो रहे थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ईसीएल, अकरम शेख साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सारी चीज़ें हुई हैं। फिर इसके बाद देखें, वो उस केस में अटॉर्नी जनरल जो है वो उनके शायद दलाइल कमज़ोर थे या जो भी था, उनको उसके बाद वहाँ से जाना पड़ा, अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। तो ये कह देना कि हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हमें नहीं पता था, एडवाइस तो आपकी वैसे भी जा सकती थी, आप मीडिया से या और भी आपके मींस से आप वहाँ पे भी आके आप फोरम से आप आगे बात कर सकते थे। इन्होंने
कोर्ट अब तो जब जिस वक्त वो चले गए उस वक्त तो सारे ही कह रहे हैं कि जी वो ये उसकी जिम्मेदारी थी, अब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त मुशर्रफ साहब यहाँ पे थे उनको रोका जा सकता था, क्योंकि सिर्फ ट्रीजन का केस उनके ऊपर नहीं है, उनके ऊपर और भी मुकदमा थे, बेनज़ीर मर्डर केस है, अकबर बुगटी में से चार वक्त एक्विट हो गए थे, जजेस डिटेंशन केस है, और एक जो लाल मस्जिद के एक मौलाना साहब थे उनके भी कत्ल का जो है वो मुकदमा उसमें भी वो यहाँ पर चल रहा था। अच्छा मुझे बताएं आपके ख्याल में हुकूमत और अदलिया ये परवेज़ मुशर्रफ केस को एक गर्म आलू की तरह एक दूसरे की तरफ उछाल रही है? जी हॉट पोटैटो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि शायद अदलिया इस मूड में शायद थोड़ी बहुत थी कि इसको जो है वो किया, बल्कि लेकिन एक खुशखबरी भी अदलिया के लिए ये जो वो जो अवैध साहब जो एकदम बरामद हो गए ये बहुत बड़ी खबर थी अदलिया के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि अवैध की बरामदगी और इस केस का कोई ताल्लुक है? किसका? ये मुशर्रफ ट्रीजन हाई ट्रीजन केस का। कौन कह रहा है ये? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लेरिफिकेशन चाह रहा हूँ कि आप अवैध शाह की बाजियाबी और इस केस को मिला तो नहीं रहे आपस में? ये मैंने तो नहीं कहा। थैंक यू जी। असद आप समझते हैं कि हुकूमत और अदलिया एक दूसरे की तरफ उछाल रही है मुकदमा? जैसे देखें जो ECL पे जो आर्डर आया था उन्होंने कहा जी आप देख लें इसको, ठीक है, उससे पहले तो कोर्ट ने कहा था कि ये स्पेशल कोर्ट ने कहा था ही इज फ्री मैन, ही कैन गो एनीवेयर, तो उन्होंने लेकिन चूंकि नाम ECL में था, ECL में इन्होंने जो है फैसल साहब ने कई दफ़ा एप्लीकेशन वहाँ पर मूव की थी वजारत दाखिला में, जो उन्होंने एंटरटेन नहीं की, उन्होंने कहा जी इस पर जनाब सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लिखवा के लाए। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी देखें जो आर्डर था जो शुरू में किया गया था जस्टिस जवाहर ख्वाजा साहब ने मेरा ख्याल मौलवी इकबाल हैदर के केस में शुरू में किया था, ये भी गलत बात है। नहीं जस्टिस जवाहर ख्वाजा ने ये भी गलत बात है। मैं आपको बताता हूँ कि ये सुप्रीम हुकूमत जो है ये हमसे भी झूठ बोलती रही, सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला और फिर उन्होंने क्लेरिफाई किया। मुझे तो लगता है आप सारे एक दूसरे से झूठ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ आवाम से झूठ बोला जा रहा था और एक थिएटर एक ड्रामा, आपको नहीं लगता ये सब पहले दिन से तय था जो कुछ होना है बाद में? असद साहब देखिए इसमें ये चीज़ कहना तो मुश्किल है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रहा था कि शुरू में तो शायद हुकूमत संजीदा थी, लेकिन जो धरना हुआ था 2014 में उसके बाद से कुछ थोड़ा सा इनका मूड जो है वो तब्दील धरने के बाद हो गया, उसके बाद सारी चीज़ें जो चली हैं आपके सामने किस तरीके से, एक साल तो जो है वो देखें 31 मार्च 2014 को इन पे फर्द जुर्म आए थे, पहले तो ये आ ही नहीं रहे थे, फिर बाद में इनको अश्योरेंस दी गई थी, किसी को जो भी अश्योरेंस दी गई थी या जो भी था, ये आए पेश हुए 31 मार्च 2014 को फर्द जुर्म आए थे, सितंबर में जो है वो जो एविडेंस गवाहान जो थे वो सारे भुगता लिए गए थे, उसके बाद कोई इतना टाइम नहीं था, लेकिन उसके बाद जो डिले हुआ वो लिटिगेशन की वजह से हुआ। आपको अफसोस होगा इतना बड़ा तारीखी मुकदमा हारने का? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अभी कोई डिसीजन हुआ है, क्योंकि इसमें विन-विन सिचुएशन है सबके लिए। नहीं मती देखें ये कोई पहला मुकदमा नहीं है, इसमें पहले भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस के मुकदमात जो हैं सेनेट आयोजन हुए हैं, आपके सामने कई रेफरेंसेस नैब के हैं, फिर वो वापस आए हैं, ये उनसे मुख्तलिफ तो नहीं है, ये मुकदमा कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। देखिए संगीन मुकदमा जो संगीन होता है वो संगीन होता है, उसमें आप संगीन कैटेगरी ए कैटेगरी बी नहीं कह सकते, ये सारे अगर किसी के अगेंस्ट रेफरेंस संगीन आप सीरियस सेंस में ले रहे हैं या वो जो बंदूक के आगे संगीन लगी होती है वो भी संगीन है? नहीं सारे, ये है तो सारे मुकदमात जो है जो भी सेनेट आए अगर कोई रेफरेंसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के रेफरेंसेस थे आपके सामने कई मिसालें मिलती हैं वो भी हैं, वो फिर दोबारा शुरू हुए हैं, मतलब करप्शन और ये संगीन गद्दारी एक जैसे ही है, मतलब इसमें मर्डर के लोग फैसल साहब ये बताएं आपके क्लाइंट में इतनी अखलाकी जरूरत है कि वो आज ऐलान करें मैं इतने अरसे बाद वापस आ रहा हूँ? ये आप सवाल मेरे क्लाइंट से कीजिए। नहीं आपका मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे किसी गैर अदालती सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं। आप कब तक अपने क्लाइंट के साथ खड़े हैं? जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता मुकम्मल तौर पर, जब तक मेरा वकालतनामा विड्रॉ नहीं हो जाता। बतौर वकील आप पाबंद नहीं है कि एक मुल्ज़िम को पेश करें अदालत के सामने? किस कानून के तहत? पाकिस्तान का कानून, आपकी ख्वाहिश के नहीं, किस कानून के तहत? आप बताएं कि अदालत में पेश होना फर्ज नहीं है मुल्ज़िम का? 342 देना, 9 साल इस मुल्क में हुकूमत की है और आज अदालत के सामने पेश होने से घबरा रहे हैं क्यों? मतियुल्लाह जान किस आपकी ख्वाहिश के और नहीं, आपके ख्याल आपके जो क्या उनको पेश नहीं होना चाहिए? गहराइयों से एक ख्वाहिश आपको है, कैसा लगता है? अलावा कोई आपको कैसा लगता है जब लोग कहते कोई जाप्ता है कोई प्रोसेस है
जिसको आप मान लें, ठीक है ना, टीवी के टॉक शोज में बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। मुझे ये बताएं कि किस कानून के तहत मैं पाबंद हूँ कि मैं आपके ये जो जज्बाती सारे सवालात हैं, मैंने आपको पहले कहा है कि हम बड़े पक्के वकील हैं, हम तो हर आप अपने क्लाइंट के पाबंद हैं अंडर जो सीआरपीसी की सेक्शन है 342, सीआरपीसी की सेक्शन है 342, उन्होंने मुशर्रफ साहब ने आगे अपने डिफेंस में स्टेटमेंट देनी है, डिफेंड तो करना है अपने डिफेंस में स्टेटमेंट। बट एनीवे आप दोनों में फर्क है ये है कि शेख साहब मुफ्त केस लड़ रहे हैं और आप फीस लेके लड़ रहे हैं एज अ प्रोफेशनल। मैं मुफ्त केस नहीं लड़ता और इसीलिए मेरे केस जो है वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं, लेकिन ये तो अभी कोई पाया भी नहीं हाथ आ रहा है। एनीवे फैसल चौधरी साहब, मलिक असद साहब, बैरिस्टर सजीर, बहुत शुक्रिया। आज जबकि तमाम सियासतदान तुर्की की नाकाम फौजी बगावत को देख रहे हैं और कुछ हुक्मरान सियासतदान खुश हो रहे हैं और तमाम मुश्तरका अपोजिशन एक नए एहतजाज के लिए मनसूबा बंदी कर रही है, हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकलने की बातें कर रही है और बात हो रही है जमहूरियत की, जमहूरियत को बचाने की बात हो रही है, इंतखाबात की बात हो रही है, तो ये सब बातें फजूल हो जाती हैं कि जब आप 9 साल तक इस मुल्क पर बंदूक की नाली पर हुकूमत, बंदूक की नाली के साथ हुकूमत करने वाले का एहतसाब नहीं कर सकते और जब आपकी हुकूमत एक ऐसे संगीन गद्दारी के मुलज़िम को बाहर जाने की इजाज़त देती है और अदालतें जो हैं वो कहती हैं कि हम काम नहीं करेंगे, इस केस में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक मुलज़िम पेश नहीं होता, तो फिर ये सब इलेक्शंस, इंतखाबात और एहतजाज और नाकाम फौजी बगावतें ये सब बेमानी हो जाती हैं। आवाम के सामने हर रोज़ नई नई बड़ी खबरें आ जाती हैं और जो ज़ख्म उनको माजी में लगे होते हैं वो भूल जाते हैं। अपना अपना गरेबान से इतना ही, मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।